नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक को डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है जो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेड लिए जा सकते हैं। स्टॉक अंडर परफॉर्म है, कंसोलिडेट इन डाउनसाइड के ट्रेंड दिख रहे हैं। रिसेंट के इस स्टॉक के खबर और जो ट्रेंड है उसको समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। इस समय IDFC फर्स्ट बैंक 77 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज के कुछ भी अपडेट्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मीटिंग को लेकर के कॉमन अपडेट दिख रही है, डिलीवरी बेटर दिख रही है, लेकिन ट्रेंड अंडर परफॉर्म है। सेक्टर को हेवली स्टॉक अंडर परफॉर्म करते दिख रहा है, वो चाहे पास्ट 3 मंथ के देखें, 6 मंथ के देखें या फिर 1 वीक के देखें। तो जैसा कि मैंने कई बार आपको कहा है कि ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म है, ये मैंडेटरी है इस स्टॉक को मिनिमम 84 के लेवल का ब्रेकआउट, जब तक ये 84 के ऊपर नहीं जाए शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को लेने से बचेंगे। ये कंसोलिडेट जोन है, इस जोन में वही बाई करें जो पोटेंशियली 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर के होराइजन के लिए होल्ड करेंगे। अगर आप इतने दिन होल्ड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए इग्नोर करें। आप शुगर सेक्टर को देख सकते हैं, आप दूसरे किसी बेटर स्टॉक को फाइंड आउट करें जहां पे ब्रेकआउट जैसा दिख रहा हो, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल इग्नोर करेंगे।